हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, अभी टाइम हो रहा होगा करीबन 10:30 बजे के टाइम हो रहा होगा आसपास का ही। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है बाथरूम में कपड़े धोने से। तो इससे पहले मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर दिए थे और अब बारी आ गई थी कपड़े धोने की। तो आज हाथ से ही कपड़े धो रही थी मैं। और ये व्लॉग है बुधवार का, क्योंकि कल मैंने एक दिन पहले वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, तो ये व्लॉग है बुधवार का। तो गाइस चलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े। और ये जो हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं ना, ये ज़्यादातर मैं हाथ से ही धोती हूँ। ये तो पैंट है ऑफिस की, तो इसको एक बार मैं फिर भी मशीन के अंदर धो देती हूँ। लेकिन जो हस्बैंड की जो ऑफिस की शर्ट है ना वाइट कलर की, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि उसमें साफ़ नहीं होती है, जैसे कि मैं हर बारी बताती हूँ। तो ऑफिस के कपड़े भी थे और कुछ मेरे कपड़े थे जो पहने हुए थे, उनको भी मुझे धोना था। तो सोचा चलिए इनको क्या छोड़ना है, 2-3 कपड़ों को इनको भी मैं साथ साथ धो ही देती हूँ। और साथ साथ में बेटे से भी बातें हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर हॉल में ही घूम रहा था, तो उससे बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी ख़त्म करती जा रही थी। वैसे तो आजकल कपड़े नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ जा रही है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और इनको ना मैं फिर मशीन के अंदर ड्राई कर लूँगी, और ड्राई करने के बाद फिर अंदर ही सुखा दूँगी, क्योंकि बाहर अगर मैं लेके जाऊँगी ना तो फिर दोबारा से बारिश आ जाती है। वैसे तो शेड के नीचे हैं, लेकिन अंदर जो है ना फ़ैन के अंदर सूख जाते हैं। तो गाइस नहा लिया है मैंने, और नहाने के बाद अब बनाना है मुझे दोपहर के लिए खाना। तो खाना नहाने से पहले ही ना मैंने आटा गूंद दिया था, क्योंकि जब कपड़े धो करके आती हूँ ना बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है, तो इसलिए ना आटा पहले ही गूंद दिया था ताकि मुझे आलस ना आए। तो चलिए अब फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ ही बनानी है केवल मुझे। सब्जी जो है वो सुबह की बनी रखी हुई है, आलू की सब्जी है, जैसे वो भंडारे वाली सब्जी होती है ना, आलू की उबाल करके बनाई थी मैंने सुबह आलू की सब्जी। तो मुझे अब खाली रोटियां ही बनानी है, और उसके साथ होगी लस्सी। और आटा ना मैं पहले से ही गूंद करके चली गई थी ना, तो उसमें ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 5 से 6 रोटियां बनाने में, जल्दी जल्दी बन जाती हैं। और गाइस देखिए, वैसे तो सुबह के टाइम जब मैं आटा लगाती हूँ ना तो एक्स्ट्रा ही लगा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा ही आटा लगाया था जो सुबह ही ख़त्म हो गया था, और बच रहा था तो 1-2 रोटी का ही बच रहा था, तो इसलिए फिर वो पूरा नहीं पड़ता। तो मैंने अब आटा गूंद के रख दिया था पहले से ही। और ये ले आया था बेटा छाछ, तो छाछ के अंदर ना बूंदियाँ डाल ली हैं। और ये रखी है सब्जी जो सुबह बनी थी आलू की सब्जी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सर्व और खाते हैं, क्योंकि भूख भी लगने लगी है। गाइज ये हो गया है शाम का वक्त, और मैं लेकर आ गई हूँ सब्जी। अभी मैं मंडी चली गई थी तो सब्जी लेकर आई हूँ वहाँ से, और आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। गाइज सब्जी लेकर आई हूँ मैं, दोपहर के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद मैं उठी। आज काफी देर सो ली थी मैं, अब पता नहीं है मुझे कैसे रात को नींद आएगी। तो उठने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम भी ऐसे ही हो रखा था, हल्की हल्की बारिश हो रखी थी, मतलब कीचड़ कीचड़ हो रखा था रोड पर। वैसे तो जाने का मन नहीं था मेरा, लेकिन घर में ना एक भी टमाटर नहीं था, तो सब्जी कैसे बनती, अभी तो सब्जी मुझे बनानी थी, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ा। और ट्यूसडे में सब्जी लेकर के आ गई, उसके बाद पी मैंने चाय, और ये है मेरी सब्जी। तो सब्जी मैं ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ, भिंडी लेकर आई हूँ, तोरी लाई हूँ, 1/2 किलो तोरी लेकर आई हूँ, सीताफल और बंद गोभी लेकर आई हूँ, और लाई हूँ गोल वाले बैंगन भरते वाले, 1 किलो घिया लेकर आई हूँ, क्योंकि घिया चल जाती है, और ज्यादा सब्जी नहीं लाई हूँ मैं, और काफी सारी सब्जियां जो घर में खाते भी नहीं है। और 2 किलो लाई हूँ टमाटर, और एक ये मैं टोकरी लेकर आई थी, क्योंकि कम पड़ जाती है कभी कभी, सब्जी धो करके रखती हूँ ना मैं तो ये कम पड़ जाती है, इसलिए एक टोकरी लेकर आई थी मैं, ये इस तरीके की। चलिए मैं अब खाने की तैयारी करती हूँ, इनको मैं करूंगी टमाटर वगैरह जो है और जो सब्जी है
इसको मैं धो करके रखूंगी खाना बनाने के बाद। पहले मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आटा जो है वो मैं मांड के चली गई थी, यहाँ पे आटा रखा है, ये मैं मांड के चली गई थी। चलिए गाइस, सब्जी तो मैंने रख दी है एक साइड में उठा करके, क्योंकि उसको बाद में एडजस्ट करूँगी मैं। और अब मुझे सब्जी सबसे पहले तो डिसाइड करनी थी कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मुझे तो ऐसा लगता है ये हर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है कि एक टाइम बना लेती है तो अगले टाइम के लिए फिर सोचना पड़ता है कि आज क्या बनेगा। उन्हीं में से मैं भी हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि अब क्या बनेगा। और समझ में नहीं आता है, इतनी सारी सब्जियाँ रखी होती है घर में, उसके बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि आज ये बनेगा। और जब नई नई सब्जी आती है ना तो वो काफ़ी टेस्टी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसका सीज़न आधा हो जाता है या फिर जाने वाला होता है ना, तो उस सब्जी का टेस्ट जो है ना वो ख़त्म जैसा होने लग जाता है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए गाइज, सब्जियाँ मैंने, मुझे बनानी थी मिक्स सब्जी, मिक्स वेज बनाऊंगी मैं। पत्ता गोभी मैंने काट ली है, और हस्बैंड भी आ गए थे उसी बीच में, तो वो कहने लगे कि चल तू जब तक सब्जी काट रही है तब तक मैं ये जो टमाटर है ना इनको धो कर के बॉयल करने के लिए रख देता हूँ। तो गाइज़ मेरा थोड़ी सी हेल्प हो गई है, क्योंकि ये काम मुझे फिर बाद में करना पड़ता। तो सब्जी मैंने सारी काट के रख दिया है, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स काटी हैं और आलू भी काट लिए हैं। और साथ में ये काट लिया है मैंने छोटी सी घिया, क्योंकि इसको मुझे बॉयल करना है। इसका बनाऊंगी मैं रायता, घिये का रायता बनाऊंगी। और एक साइड में उबल रहे हैं मेरे टमाटर, जिनकी मुझे बनानी है प्योरी। तेल गरम होने के बाद उसमें डाल दिया था ज़ीरा, और ज़ीरा भी अच्छे से भुन गया है। उसमें मैंने डाल दिया है पेस्ट, क्योंकि अभी तो मुझे बनाना ही पड़ा था। टमाटर अभी उबल गए हैं लेकिन ठंडे नहीं हुए थे, तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं। और उसके बाद मैंने डाल दी उसमें हींग, नमक, धनिया पाउडर, और किचन किंग हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सब। और अब इसको अच्छे तरीके से कर दूंगी मिक्स, और मसाले को अच्छे तरीके से पका लूंगी। और ये देखिए गाइस, मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। और जब तेल एक साइड में हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो वो मसाला पक जाता है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दी है सब्जी, और मटर भी डाली थी जो थोड़ी सी बॉयल कर ली थी, तो मटर को भी डाला था मैंने इसके अंदर मिक्स वेज में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उसको भुनने के लिए छोड़ दिया है। इसके अंदर पानी मैं ऐड करूँगी थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, जब तक जो ये टमाटर में एक्स्ट्रा पानी है इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि पानी के साथ जल्दी से ये ठंडे नहीं होंगे। तो पानी जो है ना इसका वो निकाल लेती हूँ। तो दो तीन टमाटर टोकरी के अंदर भी गिर गए थे, तो अब इनको मैं रख देती हूँ फैन में, जिससे ना काम मेरा आसान हो जाएगा, जल्दी से सूख जाएंगे। और उसके बाद इसकी मैं ना प्योरी बना दूँगी। और ये था रायते के लिए, दही को मैंने घुमा लिया है, चला लिया है मतलब। और ये नमक जो है ना चम्मच में ज़्यादा निकल गया था, तो मैंने फिर एक छोटी कटोरी में निकाल करके डाल दिया है, नहीं तो ज़्यादा हो जाता। इसको ऐसे ही नॉर्मल उससे ही चला लिया है और रख दिया है इसको। और इसके अंदर ना जो वो था घिया जो थी ना, वो बॉयल करके मैंने डाल दी है पहले ही, और उसके बाद इसमें लगा दिया है मैंने सिंपल तरीके से तड़का। तो चलिए गाइस, ये हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग का डे हो गया है। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, खाना खाया, किचन क्लीन किया खाना खाने के बाद, और उसके बाद फिर सो गए थे। ये हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सुबह के लिए अपना ब्रेकफास्ट, बेटे के लिए और अपने लिए। तो आज मैंने ये ऊपर से निकाल लिया है टोस्टर, तो काफ़ी दिनों से ना ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले मैंने किया है क्लीन। और मैं बनाऊंगी आज टोस्ट बनाऊंगी मैं, जो रात की सब्जी मैं बनी थी ना मिक्स वेज जो बनी थी वो बच गई थी, तो मैंने उसी को ही यूज़ करके टोस्ट बनाऊंगी मैं। तो ब्रेड के ऊपर पहले मैंने लगा दिया है घी, और उसके ऊपर से जो सब्जी थी ना वो लगा दी है, और उसके ऊपर लगा दी है फिर ब्रेड। इसी तरीके से बनाऊंगी, और बहुत ईजी तरीके से बन जाता है इसके अंदर। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मुझे जो तवे पर बनाते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आता है। टोस्ट बन के हो गए हैं रेडी, तो इनको मैं काट लेती हूँ। कुछ इस तरीके से काटूंगी ट्रायंगल शेप में, और एक साइड में मेरी बन रही है चाय, तो आज टोस्ट के साथ ही नाश्ता होगा। टोस्ट हैं और साथ में है सॉस, टमाटो केचप, और है इसके साथ चाय।
तो चलिए गाइस सर्व कर लेती हूँ। और ये है चाय जो बन चुकी है, अब इसको भी छान लेती हूँ क्योंकि हम दो ही जने हैं तो दो जनों के लिए ही चाय बनी है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी छत पर और थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने सोचा चलिए ये धूप में ना थोड़े से चावलों को फैला देती हूँ। इसमें सुरैरी हो रखी हैं, जो इल्ली जिसे बोलते हैं ना वो हो रखी हैं, काफ़ी सारे चावल थे, थोड़े से नहीं थे तो नीचे ही सुखा लेती। और चलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब बारिश आ जाए पता ही नहीं है। तो चलिए गाइज़ अगर ये व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा हो, ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से एक कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब चलती हूँ मैं नीचे, इसके बाद बाकी के काम करने हैं मुझे। गाइस आई तो थी मैं कपड़े सुखाने के लिए लेकिन हल्की हल्की बारिश होने लगी है, अभी भी शुरू हुई है, मैं जैसे ही ऊपर आई हूँ ना तभी बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ सुबह मैं चावल सुखा करके गई थी तो वो मैंने उठा लिए हैं, अभी मैंने ऐसे ही कंटेनर में रख दिए हैं ऐसे ही भर के कपड़े के साथ, तो मैं इसको यहीं पर रख जाऊंगी क्योंकि मुझे फिर दोबारा भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ठीक से ना निकली नहीं है, इसमें जो धूप लग रही है देखा भी नहीं जा रहा है, जो इसके अंदर वो है ना इल्लियाँ जो लग गई हैं वो निकली नहीं है। और फिर इसको मुझे पिसवाना है, काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे ही करते करते, दोबारा से लग गई थी उसके अंदर। तो चलिए ये तो रख देती हूँ और कपड़े भी नीचे लेके चलती हूँ क्योंकि बारिश आने लगी है।